पार्ट भी स्टार्ट कर ठीक है, जो बीच के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि पार्ट भी थोड़ा इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू पार्ट केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी के वाले क्वेश्चन पढ़वाने पड़ेंगे तुम लोग इसलिए। ठीक, इसलिए अभी देखो जरा पार्ट बी कर रहे, पार्ट बी है। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन है, दो मार्क्स का क्वेश्चन, देखना क्या है कि तीन बैल है। ठीक है, तीन बैल मतलब बैल वन बैल टू बैल थ्री, बैल वन बैल टू बैल थ्री, तीन बैल है। अच्छा, जो बैल वन है वो बचती है चार मिनट बाद, हर कितने चार मिनट बाद, ये बचती है हर आठ मिनट बाद और ये बचती है चौबीस मिनट बाद। ठीक है, उसने ऐसा बोला कि अगर सारी बैल एक साथ छह बजे बजी थी, कितने बजे बजी थी, छह बजे, यानी टाइम होना था तब छह एएम, तो दोबारा ये तीनों की तीनों कितने बजे बजेगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद ये दोबारा कब बजेगी, सिंपल चीज सोचो। जैसे एग्जांपल के लिए होता क्या है, हम लोग करते हैं जैसे तीन जने हैं, ठीक है, तीन दोस्त है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तीन दोस्त है, एक दो दिन बाद जाता है, तीन दिन बाद जाता है, छह दिन बाद जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो कौन से दिन जाके मिलेंगे सोचो, अगर एक दो दिन बाद जाता है, तीन दिन, छह दिन बाद, तो जिस हर दो दिन में ये जाएगा तो इसका क्या, दूसरे दिन जाएगा, चौथे दिन जाएगा, छठे दिन जाएगा, ये तीसरे दिन जाएगा, छठे दिन जाएगा, नौ, तीन का टेबल चलेगा इसके लिए और इसके लिए सिक्स का टेबल चलेगा। समझ आया नहीं आया, क्लियर, यही तो होगा क्योंकि हर दो दिन बाद ये जाएगा, तो टू टू जा फोर, टू थ्री सिक्स ऐसे करके जाएगा, ये वाला थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, कॉमन दिन कौन सा है, ये वाला दिन कॉमन है। समझ में आया नहीं आया, यानी कि हमें हमेशा निकालते हैं, जब भी सोचो आंसर जो आएगा वो दो तीन छह से तो ज्यादा ही आया ना, इसमें भी अगर आंसर आएगा तो चार आठ चौबीस से ज्यादा ही आएगा, चार और आठ से तो ज्यादा ही आएगा ना। जब भी आंसर ज्यादा आता है क्या आता है, ज्यादा, तो हमेशा मूव करते हैं एलसीएम की तरफ, किसकी तरफ मूव करते हैं, एलसीएम की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर से अगर आज ज्यादा आएगा तो हम लोग देखते हैं जरा, हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, एलसीएम का चार आठ चौबीस का एलसीएम कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका चार, देखो एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका, चार को तो चार को क्या तोड़ सकते हो, टू टू टू, टू का स्क्वायर यानी कि आठ को टू का क्यूब, और चौबीस को लिखोगे तोड़ के तो बनेगा टू का क्यूब इंटू थ्री। ठीक है ना, अब एलसीएम कैसे आता है, एलसीएम होता है ऑल नंबर और उनकी मिनिमम पावर, है ना, ऑल नंबर कौन है, टू, टू की सॉरी मैक्सिमम पावर होती है ना, टू का क्यूब, ठीक है, और दूसरे नंबर वाले थ्री, थ्री की पावर होती है, टू का क्यूब कितना होता है, एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर मिनट, पर ट्वेंटी फोर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ टाइम तब छह बज रहे थे जब पहली बार मिले थे, तो चौबीस मिनट बाद मिलेंगे तो टाइम कितना, छह बज के चौबीस मिनट टाइम हो जाएगा, छह बज के चौबीस मिनट, बस क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ये होगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो जल्दी से, जल्दी लिख देना, वी फाइंड एलसीएम। अगला क्वेश्चन कि 22 क्वेश्चन है कि इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट्स, कितनी है 10 यूनिट, मतलब मैं पहले इन दोनों की डिस्टेंस निकालूंगा, किसके बराबर रखूंगा 10 के बराबर, वहां से किसकी हो जाएगी y की, किसकी हो जाएगी y की, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा क्या आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, स्ट्रेस के बराबर रखनी है 10 के बराबर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद, एक्सरसाइज 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर है, 10 10 या 9 ऐसे करके। ठीक है, PQ is equal to डिस्टेंस फार्मूला लगेगा अंडर रूट x2 - x1 यानी 10 - 8 कैसे खुलेगा, देखो वाई पहले माइनस माइनस प्लस थ्री का होल स्क्वायर, इसके बाद पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सही आएगा इसी, ये बन जाएगा pq is equal to under root y स्क्वायर प्लस 64 प्लस 9 कितना होता है 73 प्लस 6y, ये आ गया आंसर। अच्छा मेरे को शायद pq की वैल्यू की मैंने डिस्टेंस कितनी है 10, तो इसकी जगह पर 10 रख सकता हूं, 10 is equal to under root y स्क्वायर प्लस 73 प्लस 6y, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हटा रहा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा इस स्टेप में, स्टेप पे यहां लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे सोचो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तुम लोग नीचे लिखना उसका, जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 73 प्लस 6y, अब ये क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक बन गई, तो y स्क्वायर ये प्लस इसको इधर भेज दो तो ये होगा प्लस का 6y और 100 माइनस का होगा ना, प्लस का 73 माइनस का 100 कितना आएगा बराबर 0, यानी कि ये आएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27, कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉल्व करना सबको आता है, सॉल्व करने का जो आंसर आएगा वो y + 9 और y - 3, दो फैक्टर बन जाएंगे आराम से, हां 9 और 3 आ रहा फैक्टर, तो y की वैल्यू एक आ गई माइनस 9 और एक आ गई कितनी 3, बस ये आंसर माइनस 9 है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, याद रखना नोट करना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है,
इसी का और करके नीचे पार्ट है, इसमें क्या करना है हमें एक्स और वाई इक्वेशन निकालनी है। ये सेक्शन फार्मूला से होगा, सिंपल बता रहा हूं, मुझे रेशियो दे रखा है। अच्छा देखो रेशियो से कैसे आप बताया कि इसको पहले वाले रेशियो को m1 मान दो, इसको क्या मानेंगे m2, इस वाले को मानेंगे x1 y1 और इसको x2 y2। फार्मूला याद करो, बीच वाले पॉइंट निकालने का, x निकालने का फार्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, ठीक है। अगला y का क्या होता है, m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। ये फार्मूला सिंपल से, अब आप यहां पे वैल्यू पुट करना, आंसर आपका आ जाएगा। फिर बताता हूं, जैसे m1 m1 कितना 2, तो 2 के साथ x2 को जरा देखते हैं, x2 का है नहीं है 4 मैच करो, प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 / कितना आएगा m1 + m2 2 + 3। अच्छा बताओ 2 4 जा 8 8 फिर माइनस का 3 / 5 8 -3 कितना होता है 5 / 5 कितना आ गया 1, तो इससे ले गई 1। सिमिलरली y m1 कितना है 2 y2 के साथ यानी -1 + m2 कितना है, देखो m2 कितना है 3 3 के साथ कौन आएगा y1 कौन है y1 = 7 / m1 + m2 -2 + 21 / 5 यही होगा सही है। 21 -2 कितना होता है 21 -2 होता है 90 90। तो आंसर आ गया आपका पॉइंट जो है y c जो हमने मानो उसकी कोऑर्डिनेट आएंगे 1 / 19 / 5। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन है इसके देखो 1 और -2 दो जीरोस है। अच्छा इसके जीरोस कितने होने चाहिए, कितने जीरोस, 3, क्योंकि डिग्री कितनी है 3। बताया था मैंने देखने का तरीका, तो डिग्री 3 है तो जीरोस भी 3। हमारे पास कितने जीरो दे रखे 2, मतलब एक और निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले देखेंगे gx बनाएंगे, क्या बनाएंगे gx। अच्छा बताओ मुझे gx बनाने से एक और चीज पहले देखा जाए, एक चीज बताता हूं तुम्हें। मान लो 1 और 2 -1 और -2 को क्या बोला 0, मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है और x की वैल्यू क्या हो सकती है -2, दो वैल्यू हो सकती है r zeros of इसका ph मान लेता ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको, इतना मतलब ठीक है। अच्छा इसके बाद ये इधर आएगा तो क्या कहलाएगा, इधर आके क्या कहलाते हैं ये +2 क्या कहलाते हैं zeros क्या है ये फैक्टर्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ ph। और जब ये फैक्टर्स कहलाएंगे तो मैं बनाऊंगा gx, क्या बनाऊंगा gx। ये हमने बहुत बार करा है क्वेश्चन में, gx ऐसे बनाते हैं इसको पहले वाले को और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करके सिंपल, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आता है, x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर + 2x - x और - का 2, सॉल्व करेंगे x स्क्वायर + x - 2 सिंपल, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देना बस इससे, ph से हो जाएगा डिवाइड, करो डिवाइड करना आप लोगों 9th क्लास में सीखा, 9th में इतना अच्छे से x स्क्वायर + x - 2, 10th में भी सीखा, फिर अभी x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 डिवाइड किस करेंगे कितना आएगा, हमें कितना आएगा x का स्क्वायर, x आएगा, x मल्टीप्लाई होगा इससे पूरे से, तो x क्यूब ये आएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x, डिवाइड करना आता है माइनस माइनस प्लस कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर ऐड हो, माइनस का 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x में 2x हटा दो कितने x बचे 5x और साइन बढ़ेगा ये 5x माइनस प्लस इनटू कर दो माइनस 5 से, ठीक है ना, माइनस 5x स्क्वायर आएगा पूरा वही बनेगा माइनस का 5x प्लस का 10, ठीक है। बस स्टेप चेंज साइन चेंज करके सारे कैंसिल हो रहे होंगे, हां कैंसिल होंगे 0, तो मतलब x 5 हमारा दूसरा बन गया, x 5 को 0 के बराबर का x कितना आएगा 5, ये एक और 0 बस करना, तीनों 0 मिल गए, पहला 1 -2 और अगला क्वेश्चन है कि हमें ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है कि हमें पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सर्कल की रेडियस देखिए 5 सेंटीमीटर एक एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब ऐसी कहानी है। चलिए एक डायग्राम समझाता हूं, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है, तो ऐसे कंडीशन रेडियस इधर भी 5 इधर भी 5 ऐसी होगा। मैंने दो टेंजेंट बनाई किसी बाहर वाले पॉइंट से, दो ही बनेगी ऐसे करके, ये दोनों का एंगल 60 है, कितना है 60। अच्छा एक बात बताओ, ये 60 है तो 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये कितना आएगा 150 कर लोगे ना सॉल्व, हां हम तो दे सकते हैं 4 को तो 120, ठीक है
हाँ भी बोलो मैं तो वही देखो मैंने भी बोला ठीक है तो क्या करिए पहले एक सर्कल ड्रॉ कर सर्कल ही पहले देखो ध्यान से करना क्या ध्यान से होना सर्कल ड्रॉ करेंगे सर्कल प्यार से कंपास में फिक्स करेंगे 5 सेंटीमीटर और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे सेंटर बताया वो अच्छा ओ ये ओ पॉइंट है एक तरीके से डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हां ओ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ओ पे 120 एक काम करते हैं एक लाइन बनाते पहले 5 सेंटीमीटर की सही है इस लाइन पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा था पहले एक आर्क मारता है सेंटर पता है ना मेरे आर्क पे गिरेगा तो ये बन गया 120 कितना बन गया सेंटर पे एंगल अच्छा डायग्राम के अकॉर्डिंग बताओ नीचे वाला बी पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है ए A is equal to 90 degree, FB is equal to 90 degree. बस आप समझ गए, then join lines. ठीक है, तो बन गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24. इतना नोट कर लो, बस बहुत है. ठीक है, पांच क्वेश्चन हो गए काफी है. तो कर लो.